जय श्री राधे। मैं आचार्य प्रसून कौशल, एस्ट्रोलॉजर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी बड़े दर्शकों का एवं सभी श्रोताओं का स्वागत है। मेरे फैमिली के जितने भी मेंबर्स देख रहे हैं, आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। और मैं एक चीज आपको और बता दूं कि आज जो ज्येष्ठ पूर्णिमा पड़ रही है बहुत ही उत्तम है, सर्वोत्तम है। और आज का मैं जो आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आया हूं, उस उपाय को यदि आपने कर लिया तो आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। जो इच्छा होगी आपकी, सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी इस छोटे से उपाय से। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया उपाय है। और मुझे अपनी फैमिली की बहुत ज्यादा चिंता रहती है, क्योंकि आपका दुख मेरा दुख है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए, कभी भी अपने आप को दुखी मत समझिए। दुख है मुझे बताइए, मैं सदैव आपके साथ हूँ, सदैव आपके साथ हूँ। क्योंकि जब तक आपकी आंखों में आंसू है तब तक मेरी आंखों में आंसू है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी फैमिली के एक भी सदस्य दुखी ना रहे, मेरे फैमिली के सभी सदस्यों को खुशी मिले, आनंद मिले, सभी लोग प्रसन्न रहे, सभी लोग आनंद में रहे, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। बस आपका काम है, जो मैं उपाय बताते जा रहा हूँ, श्रद्धा विश्वास से बस उपाय करते रहिए। श्रद्धा और विश्वास कम नहीं होना चाहिए। और आज का मैं जो दिव्य उपाय बताने जा रहा हूँ, ये उपाय आप कर लीजिए, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जो आप मांगेंगे वो आपको प्राप्त होगा। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए, ये आपके लिए बहुत आवश्यक है, आपके बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों का कैरियर चुनने जा रहे हैं तो जो ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं वही कैरियर चुनना है आपको। बिजनेस करने जा रहे हैं तो जो ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं वही बिजनेस करना है। पता चला आपके चंद्र शुक्र दोनों खराब है, आपने कपड़े का बिजनेस कर लिया, बंटा ढार हो गया। शनि खराब है, लोहे का बिजनेस कर लिया, बंटा ढार हो गया। प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं और मंगल साथी नहीं दे रहा, बंटा ढार हो गया, लाखों करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी में ही फंस गए। इसलिए बिजनेस शुरू करने से पहले कुंडली अवश्य दिखाई, बहुत आवश्यक। हर चीज में कुंडली की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में कोई भी समस्या है तो अपनी कुंडली अवश्य दिखाइए। कुंडली दिखाने के लिए आपको अपनी कुंडली मुझे नहीं भेजनी, अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम, अपना नाम मुझे व्हाट्सअप करिए। छोटी सी सेवा राशि रखी गई है, उस सेवा राशि जमा करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिर मैं आपको स्वयं कॉल करूंगा और सब कुछ आपको बताऊंगा, आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही सारे उपाय बताऊंगा, प्रेम से बताऊंगा, आनंद से बताऊंगा, क्योंकि आप मेरे हैं और मैं आपको। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। अपनी भी कुंडली दिखाइए और बच्चों की भी दिखाइए। आपका अपनी डिटेल नहीं है तो बच्चों की डिटेल भेजिए, बच्चों की डिटेल से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका चैनल है, आप मेरे तो चैनल भी तो आपका ही हुआ है ना, तो आपका चैनल है, सब्सक्राइब करिए, क्यों नहीं करते हैं। और खूब लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और कमेंट में अपनी डिटेल प्लीज मत लिखिए, कमेंट में डिटेल लिखने से कुछ नहीं होगा, मुझे व्हाट्सअप करिए प्लीज। अब देखिए आपको करना क्या है। आज के दिन आपको इस उपाय जो है रात्रि को करना है, कोई फल ले लीजिए आप, आम का फल हो या कोई भी फल हो, आम का फल ले लें तो अति उत्तम रहेगा, नहीं तो आप केला भी ले सकते हैं। फल आपको ले लेना है। आपको क्या करना है, जल लेना है एक लोटे में, थोड़ा सा दूध मिला लीजिए, शक्कर मिला लीजिए, थोड़ा घी मिला लीजिए, और चंद्रमा को आपको जल चढ़ाना है। चंद्रमा को जल चढ़ाइए, सोम सोमाय नमः करते हुए, चंद्राय नमः करते हुए आप चंद्रमा भगवान को जल चढ़ाइए। पूर्णिमा को जल चढ़ाने से हर चीज पूर्ण होती है, सब चीज आपकी जो अपूर्ण है जीवन की वो चीज पूर्ण होने लगती है। तो आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको जो फल आपने लिया है, फल के ऊपर अपनी जो भी आप मांगना चाहते हैं वो इच्छा आप अपनी फल के ऊपर लिख दीजिए। हल्दी कुमकुम से अपनी इच्छा को आपको लिख दें, हल्दी से लिख दें या कुमकुम से लिख दें। इच्छा लिखने के बाद आपको ऐसे फल लेना है हाथ में और ऐसे चंद्रमा भगवान ऐसे सामने देखना है, ऐसे फल ले करके आपको ऐसे देखना है। देखने के बाद आपको ऐसे आरती करते हैं ना, ऐसे करके साथ ऐसे करके आप उसारना, ऐसे उसारिए, उसार लीजिए। उसारने के बाद आपको करना है, उस फल को आपको नीचे एक थाली में रख देना है। थाली में रखना है, उसके ऊपर एक कपूर आपको प्रकट कर देना है। कपूर जलाइए, कपूर जब तक जल रहा है आप वहीं बैठे रहिए आराम से, बिल्कुल नीचे बैठ कर और हाथ जोड़ करके अपनी जो भी मनोकामना है, जो भी आप मांगना चाहते हैं, मनीमन बोलते रहिए, बिल्कुल बोलते रहिए। इसका जब आपका कपूर जल जाए तो आपको क्या करना है, ऐसे हाथ जोड़ने हैं अपने चंद्रमा मामा से, चंद्रमा मामा बोल रहे हो चंद्रमा से, क्योंकि शुरू से कहते थे ना चंद्रमा मामा तो वही ध्यान रहता है। चंद्रमा भगवान के आपको हाथ जोड़ने हैं और उसके बाद आपको फल लेकर के नीचे आ जाना है, फिर नीचे आ जाइए। फिर अगले दिन आपको, अगले दिन उस फल को क्या करना है, आपको गाय को खिलाना। पर जब आप गाय को खिला रहे हो तो प्रार्थना करना है, हे गौ माता मेरी सारी मनोकामना पूर्ण करिए। आपके अंदर समस्त देवी देवता विद्यमान है, आप चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सारे कष्टों को हरने वाली, सारी नेगेटिविटी को हरने वाली, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली, सब आपके अंदर गुण है। तो हे गौ माता आप कृपा करिए, कृपा करके इस फल को खाइए और मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए। ऐसा बोलते हुए आपको वो फल खिला देना है गौ माता को। गौ माता को फल खिला दीजिए, उनके हाथ जोड़ लीजिए और थोड़ा गले में से सहला दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। उनके चरणों में प्रणाम कर लीजिए, उनके चरणों में मिट्टी माथे में लगा लीजिए।
फिर अपने घर के अंदर आ जाए। आप देखेंगे कि जो भी आपकी इच्छा थी, जो भी आपने मांगा था, वो निश्चित ही बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, उपाय अवश्य करिए और अपनी कुंडली सभी लोग अवश्य दिखाइए। और कभी भी अपने आप को अकेला मत समझिए। मैंने बार बार बोला, आप अकेले नहीं है, मैं सदैव आपके साथ हूँ। बिहारी जी सदैव आपके साथ है, मेरे ठाकुर जी राघव जी सदैव आपके साथ है। मेरी शुभकामना आप सभी लोगों के साथ है। आप सभी लोगों से स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, राधे।